गौहर मंडी जिला के गौहर क्षेत्र की दिस्यांज कृषि सेवा सहकारी सभा के स्टोर रूम में अचानक आग लगने से करीब 1,00,000 रुपए का नुकसान हुआ है। शुक्रवार रात करीब 2 बजे जैसे ही स्टोर रूम से आग की लपटें निकली तो साथ के घरों से लोग बिस्तर छोड़कर बाहर निकल गए। उन्होंने घटना की सूचना संबंधित सेल्समैन को दी। हालांकि जब तक फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची तब तक अंदर रखा सारा सामान आग की भेंट चढ़ चुका था। सभा के सचिव प्रमोद कुमार ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि स्टोर रूम में रखे वाउचर, नई स्टेशनरी, कंप्यूटर व प्रिंटर सहित अंदर रखा गया सारा फर्नीचर पूरी तरह से जल गया है। गौहर पुलिस सूचना मिलते ही घटनास्थल पहुंचकर आग के कारणों का पता लगाने में जुट गई है। पुलिस के अनुसार प्रारंभिक तौर पर यह घटना शॉर्ट सर्किट के कारण हुई है। SHO गौहर सूरम सिंह ने कहा कि पुलिस मामले की गहनता से छानबीन कर रही है। जी सर, मैं रात को तकरीबन सोए थे घर में और रात को तकरीबन मेरे को कोई 1:30-2 बजे यहाँ से फोन किया किसी ने कि यहाँ पर जो है आग लग चुकी है, आप आने की कृपा करें। तो हम यहाँ पर आए तो देखा यहाँ पर बहुत से आदमी इकट्ठा हो गए थे और फिर हमने फायर ब्रिगेड वालों को बुलाया, फिर आग बुझाई, फिर पुलिस वाले भी कार्यवाही हुई। फिर देखा हमने हमारा सारा जो वाउचर वगैरह पुराने सब कुछ जल चुके थे, जैसे कि उसमें कंप्यूटर था, प्रिंटर था, सब कुछ जल कर जो है ख़त्म हो चुका था। बताया जा रहा है ऐसे कि ये शॉर्ट सर्किट के होने के कारण जो है आग लगी हुई है। जहाँ जब ये आग की जो घटना की सूचना मिलने के बाद आपसे पहले जो है यहाँ कौन कौन पहुँच चुके थे? जैसे कि हमारे जो सोसाइटी के प्रधान हैं वो यहाँ पर आ चुके थे और जो हमारे पंचायत के प्रधान हैं जीवानंद जी, वो भी यहाँ पर आ चुके थे और हमारे कुछ और कर्मचारी थे जैसे विक्रेता था, वो भी यहाँ पर आ चुके थे और स्थानीय लोग भी यहाँ पर इकट्ठा हो चुके थे, काफ़ी आग को बुझा रहे थे और उन्होंने फायर ब्रिगेड को भी फ़ोन कर दिया था, वो भी पहुँच चुकी थी, चार चौकनी से आई हुई थी। अगर फायर ब्रिगेड ना आती तो शायद ये पूरी बिल्डिंग तबाह हो सकती थी ना? जी सर। चलो, तो आपको क्या लगता है कि इस बिल्डिंग में जो है अगर कहीं ऐसी ज़्यादा घटना अगर बढ़ सकती थी तो फिर उसमें जो है कितने का नुकसान हो सकता था? नुकसान तो बहुत हो जाता है, जैसे कि लोगों का पैसा है, ये हमारी सब जो बैंकिंग का काम कर रही है यहाँ पर लोगों का पैसा है, लोगों को सब कुछ है, तो नुकसान तो बहुत हो सकता था। तो आपके अनुमान से जो है यहाँ कितना नुकसान लगता है? हमारे अनुमान से तो लगभग ऐसा तकरीबन 1.5-2 लाख के करीब करीब नुकसान हुआ है। चलो प्रमोद जी, आपने अपने विचार जो यहाँ साझा किए, अभी कार्रवाई जारी है ना आगे? जी सर। आज भी आ रहे हैं कोई मंडी आपके सोसाइटी में? जो है मैंने प्रबंधक कमेटी की मीटिंग भी बुलाई हुई है, बाकी पुलिस कर्मचारी वो भी आ रहे हैं दोबारा निरीक्षण करने के लिए। वेलकम टू अरोमा कॉलेज ऑफ नर्सिंग, किलरा, सुंदर नगर, डिस्ट्रिक्ट मंडी, हिमाचल प्रदेश। Recognized by Indian Nursing Council, New Delhi. Affiliated to HPNRC Shimla and HP University Shimla. Course BSc Nursing. Duration 4 years, degree. Eligibility, +2, medical, 40 seats available. Attached with SLBS Government Medical College and Hospital, NIR Chowk Mandi. Admission open for BSc Nursing Session 2020-21. As government fee structure, special scholarship for SC, ST and OBC candidates. 100% job placement. Transport facility available. Hostel facility available. Join the best college for the quality education. Ragging free campus. Expert teachers. Gated campus with 24/7 security. No extra fees. Contact us 6230379224-9816706532. 0190526-6532. Duration 4 years, degree. Eligibility, +2, medical, 40 seats available. Attached with SLBS Government Medical College and Hospital, NIR Chowk Mandi.